दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये वीडियो एक बाइक हजार्ड इंडिकेटर फ्लैशर के ऊपर है। ये मेरा फ्लैशर मैंने अमेजोन से मंगाया था, ऑर्डर किया था, अभी आ चुकी है। अब इसी का अनबॉक्सिंग देखेंगे, इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे अपने बाइक पे। चलिए, इसका अनबॉक्सिंग कर देते हैं पहले। ये फट गया है, इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, पैकिंग तो बहुत अच्छी है अमेजोन की। ये इंडिकेटर फ्लैशर है, इसमें आपको कोई भी वायरिंग की दिक्कत नहीं आएगी। वायरिंग की अभी समझा दूंगा मैं। ये आप किसी भी एलईडी लाइट पे लगा सकते हैं, इंडिकेटर पे लगा सकते हैं, और इसमें टोटल चार वायर है, आप देख सकते हैं। ये है चार वायर, और ये है नेगेटिव पॉजिटिव, दो रेड एंड ब्लैक, और ये इंडिकेटर के लिए। आप देख सकते हो कि इसमें वायरिंग का टर्म्स दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट में नेगेटिव ब्लैक वाला है, पॉजिटिव रेड वाला है, और लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स येलो। तो आप चार वायर, वायरिंग बहुत आसान है, इसको आप देख सकते हो। और ये दोस्तों मैं लगाऊंगा एक स्विच के साथ। ये एक मैंने हजार स्विच भी खरीदा है, ये भी अमेजोन से मंगाया था मैंने। तो ये इस प्राइस पे नहीं जाइए, ये मुझको पड़ा था 75 रुपये का अमेजोन से। आपको वीडियो इस प्रोडक्ट की लिंक दे दूंगा, दोनों प्रोडक्ट की लिंक आप अमेजोन से खरीद सकते हो। और दूसरी बात यह है कि मेरा एंटी लॉक थीप सिक्योरिटी अलार्म के ऊपर भी वीडियो है, आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए, इस स्विच के साथ मैं लगाऊंगा इसको, इंडिकेटर फ्लैशर को। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें भी दो वायर है, एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव, मगर ये स्विच का है तो इसमें बिना स्विच के अपन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बैटरी बहुत कंज्यूम करेगी। और आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। बाई चांस आप अगर पार्किंग में कहीं खड़े हो रात में और आपके इनिगेशन की बटन ऑफ है, तो ये पार्क आप फ्लैशर चालू कर लीजिए तो आपकी दूर से गाड़ी इंडिकेट हो जाएगी, हाँ वहाँ कुछ टू व्हीलर्स खड़ी है। और अगर आप डायरेक्ट नहीं लगाओगे तो इनिगेशन का चाबी लगा रहेगा, तभी ये चलेगा। तो मैं पार्किंग के लिए ही लगा रहा हूँ इसको ज्यादातर, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लगाऊंगा डायरेक्ट बैटरी पे। और वायरिंग का भी आप देख लिए हो। चलिए, अब इसको इंस्टॉल करेंगे अपने बाइक पे। ये मेरा इंस्टॉल हो गया है, आपको वायरिंग समझा देता हूँ। ये रेड वाला है, ये जो मैं एनिगेशन में जोड़ दिया हूँ, डायरेक्ट नहीं जोड़ा हूँ। और ये जो येलो है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ चला गया है, और ब्लैक अर्थिंग पे चला गया है। आप अर्थिंग दे भी सकते हैं किसी नट में भी, और ये मेरा स्विच लग गया है। चलिए, अब अभी इसको इस देख फ्लैशर को देख लेते हैं। ये मैं रात का सीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे से दिखेगा और लाइट भी समझ में आएगी। गाइस, ये ऑटोमेटिक भी बदलता है, और आप अगर स्विच ऑन स्विच ऑफ करोगे तो हर एक बार अलग पैटर्न अपना शो करेगा ये। और अगर आप एक बार स्विच ऑन करके छोड़ देंगे और अपने गाड़ी पे रन करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक बदलेगा। और मैं अभी स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी थी दिखाने की आपको पैटर्न, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता अगर ये ऑटोमेटिक में जाता, तो इसलिए मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ करके आपको पूरा पैटर्न दिखा रहा हूँ। इसमें 16 पैटर्न है, मैंने गिना है, और 16 16 पूरा सब काम करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न है इसमें। और ये गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एलईडी इंडिकेटर लगाऊँ, क्योंकि ये कंपनी का बल्ब वाला इंडिकेटर है, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, ब्राइट रोशनी नहीं है। और ये बल्ब है, बल्ब को जलने में टाइम लगता है, तो इसमें एलईडी लग जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। और एलईडी जानते हैं आप कि ज़्यादा जल्दी फास्ट वर्क करता है, और बल्ब थोड़ा लेट वर्क करता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।